हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज है ट्यूसडे एंड आज पूर्णिमा भी है, तो घर में हो रहा है पूजा। आज मम्मी करा रही है पूजा, कथा पूजा, शांति के लिए, बाबू के लिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए। ऑब्वियसली घर में पूजा तो होता ही, और आज दिन भी अच्छा है बिकॉज पूर्णिमा है इसीलिए। तो चलिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो ताकि यू नो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहो। तो चलिए चलते हैं, पूजा दुकान में हो रहा है, बाय द वे यहाँ पे नहीं हो रहा है, नीचे दुकान पे शॉप पे हो रहा है। तो चलिए चलते रहे हैं एंड वीडियो में बनी रहो, वीडियो को एंड तक देखना। और आज मैंने पूरा ट्रेडिशनल वेयर किया है, ये है मेरा लुक, बिंदी, दुपट्टा, कुर्ती, एवरीथिंग, कंप्लीट ट्रेडिशनल लुक। पूजा विकी करने वाला है, इधर है अनु, इधर है पीकू। पीकू कितना प्यारा लग रहा है। पीकू रील्स बनाएगी क्या? रील्स बनाएगी क्या? बोलो यस। पीकू बनाने वाली है रील्स। तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे दुकान पे। नीचे कहाँ जाएंगे? और इधर बैठे अपने बिक्की बाबा जजमान। मम्मी उधर है, इधर है पंडित जी, और उधर भगवान जी, विष्णु भगवान का पूजा हो रहा है आज। ये देखिए सारा देश, प्रियंका सुधांद्रा भवदम्बावया में तापया में पूजया में मनोज्योतिरे काम तलमे मन हर शिवा संकल्प मस्तु अजय मंगलानंद गणपति बंधवाम हे प्रियानंद सिंगार्पणम एक बेलपत्रम शिवार्पणम पुष्पंदनी माल्यां धनी सुगंध पुष्पाणि पुष्पमाचूर्णम समर्पयामि श्रीवः ब्रह्मदेवताभ्योर्वः आदातुतिर्मम भूमायैर्वहम पुष्पम बेलपत्रम समर्पयामि मनोकामना सिद्धार्थम पूर्ण संतो मनोरथा शत्रूणां बुद्धे विनाशतुं पुष्पम समर्पयामि। सो वंस अगेन हाई फ्रेंड्स, मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत देर बाद। इनफैक्ट शाम हो चुका है, इनफैक्ट 6:30 हो चुका है शाम, मतलब थोड़ी देर में रात हो जाएगा। और अभी है चाय टाइम, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ मेरे लिए और दादी के लिए। मम्मी को चाय नहीं पीना था बिकॉज जस्ट अभी अभी लंच हुआ है, लंच भी अभी रेडी हुआ है। बिकॉज क्या हुआ ना, पूजा के बाद हम लोग सब कुछ सो गए थे मस्त, क्योंकि सुबह ही उठे थे सब कोई, नाश्ता वास्ता करके सो गए थे सब कोई घर में। सिर्फ विक्की जगा हुआ था, वो की दुकान में था, तो बस थोड़ी देर पहले उठे हैं, लंच बना, अभी सब कोई लंच करेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय, और शाम का चाय नाश्ता ऐसे ही कुछ कुछ खाएंगे हम लोग। और अभी गया है बासुकीनाथ पूजा करने के लिए चाय नाश्ता। एक्चुअली वो हर पूर्णिमा को जाता है, तो 3:30 से पहले वो थोड़ा बिजी रहता है, तो अभी गया है, अभी आ रहा है, पूजा हो गया उसका, और अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ, वो अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो बस ये रहा चाय और बिस्किट, और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, जस्ट चाय और बिस्किट। और इधर देखो गाइस, इन दोनों बच्चों का चल रहा है डियाना एंड लोमा मोबाइल में, मस्त दिन भर दोनों देखते रहता है मोबाइल। पीकू हाय बोल दो एक बार। हाय पीकू, एक फ्लाइंग किस दे दो। पीकू इज ए स्वीट लिटिल गर्ल है ना। पीकू बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई यार, और इसको ऐसा क्या वर्ड है जो नहीं आता है, वो वर्ड्स पे के डियाना रोमा देख देख के कितना सारा बीच बीच में ओ माय गॉड, ओ नो, इतना रिएक्ट करती है ना आजकल, मत ही पूछो। एंड ये देखो गाइस, फाइनली अभी भी आ चुका है, तो भगवान जी से क्या मांगा? कुछ है तो जाता क्यों आदमी पूजा करने? बस जिंदा है भगवान को बताने के लिए कि भगवान जिंदा है, जितना कष्ट आप दिए फिर भी अभी तक हम जिंदे हैं। अरे बाप रे बाप, देखो तो पंडा बाबा का जस्ट कीजिए यार, ये बहुत सारा दिखाओ पूरा ग्रुप। हाँ पूरा ग्रुप ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, वो दो ग्रुप बेस्ट वाला ग्रुप, दोनों मूवी डियाना रोमा देखने में बिजी है। ज़्यादा रश तो नहीं होगा ना अभी तो इस टाइम में? रश नहीं, हाँ क्योंकि शाम का टाइम है ना, ऑलरेडी 7:00 हो चुका है, और ये 4:00 को तो गया ही था। पहुँचा कभी? 4:45 को। तो चलिए अब अभी से थोड़ा बातें बातें कर लेते हैं, अब पूछते हैं कैसा था इसका आज का दिन, बिकॉज ये रूम से आया और फिर डायरेक्ट चले गया पूजा करने, अब तुमको नींद भी आने लगा। वाह ग्रेट। और अभी है शाम का टाइम, तो अभी डब इन्हें टेंडर को पकड़ता पानी ना
टेंडर कोकोनट पीने का टाइम है, तो मैं अभी से बोल रही हूँ चलो चलो चलते हैं जल्दी से पी के आ जाएंगे, बिकॉज बारिश भी होने वाला है। तो चलेगा चलेगा, इधर दादी भी देख रही है। दादी आ चुकी है गांव से बाय द वे, और दादी का हैंड का प्लास्टर भी खुल गया, बट कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है अभी। तो चलिए अब चलते हैं टेंडर कोकोनट पी के आते हैं, मैंगोज वगैरह ले के आते हैं, बिकॉज इट्स मैंगो सीजन ना, इसीलिए खूब सारा आम खाओ मस्त रहो। बस निकल चुके हैं हम लोग जहाँ पानी पीने के लिए है, थोड़े ही देर में पानी भी आने वाला है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, एकदम फ्रेश है, मस्त वाला इंजॉयमेंट हो रहा है हमारा। अभी इसको जाने का मन नहीं करता, बट फोर्सफुली मैं इसे लेके जाती हूँ डेली। तो बस आ चुके हम लोग अपना डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम लोग पीते हैं टाप पानी टेंडर कोकोनट। मिल चुका है मेरा टेंडर कोकोनट, काफ़ी अच्छा होता है यार। यहाँ पे रेगुलरली मैं यहाँ से पीती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर है ये, जसीडी साइड है, बट मैं देवघर से यहाँ पे पीने आती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा यू नो राइड भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है यार शाम के टाइम में थोड़ा सा घूमना। मैंने तो पी लिया, बहुत ज़्यादा है ये, काफ़ी बड़ा है यार, तो फाइनली मैंने अभी को दे दिया, बिकॉज इतना ज़्यादा मेरे पेट के अंदर आता नहीं है टेंडर कोकोनट हो या कुछ भी हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा कम कम क्वांटिटी में ही खाती हूँ और पीती हूँ। अच्छा है ना, स्वीट है। चलो पी लेते हैं और वापस चलते हैं देवघर, जसीडी टू देवघर। तो घूम के आ चुके हैं घर पे, और घर पे आने के बाद मैंने डिनर भी कर लिया यार। आजकल मतलब कितना भी कम खाओ कितना भी कम खाओ, पेट इतना ज़्यादा हैवी लगने लगता है ना, लगता है 2-3 kg खा लिया है मैंने। माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। और अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ दवाई खाने के लिए, मुझे दवाई खाने का भी मन नहीं हो रहा, और अभी तो मिल्क भी पीने का, मतलब मैं सोच रही हूँ मिल्क पीऊँगी, बट लग रहा है वॉमिट हो जाएगा, क्योंकि कल ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसीलिए मैं डर से रात में भी मिल्क नहीं पिया मैंने कल रात में, आज तो दिन भर नहीं, अभी भी नहीं पीने का मन है बिल्कुल भी नहीं, बस दवाई खा लेंगे उसके बाद, और कुछ भी नहीं यार। एंड यस गाइज, आप लोग पूछ रहे हैं कितना मंथ्स हुआ, कब है डिलीवरी डेट एंड ऑल, सो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कब है मेरा डिलीवरी डेट, कितना मंथ्स हुआ, एंड कहाँ से मैं चेकअप वगैरह करा रही हूँ। वैसे चेकअप वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, मैं डॉक्टर प्रियंका से कराती हूँ, और वहीं पर हमेशा जाती हूँ, सबको लेके, अनु को भी, मैं जितना भी यू नो जान पहचान में, मैं सबको वहीं पे जाने सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज शी इज़ गुड, वेरी गुड डॉक्टर, तो इसीलिए वहीं से चेकअप करा रहे हैं। बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट मेरा कितना मंथ्स हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकेंड है या थर्ड है, वो भी मैं बताने वाली हूँ, मेरा डिलीवरी डेट बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, समथिंग स्पेशल है वो वीडियो में, तो यस गाइस नेक्स्ट वीडियो थोड़ा भी मिस मत करना। एंड पता है क्या, मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी प्रेग्नेंट है इनकेस, या फिर रिलेटिव में कोई है जो भी है, रात में चावल बिल्कुल मत खाना यार, क्योंकि रात में चावल खाने से ना मस्त वाला ख़राब फील होता है। मैंने अभी यही चीज़ कर लिया, क्योंकि लंच आज मैंने बताया ना, लंच बना रही था, तो हम लोग डिनर में ही लंच करेंगे, तो मम्मी बोल रही थी तुम रोटी खा लेना, मैंने बोला नहीं चावल के बिना तो मैं रह नहीं सकती, तो मस्त वाला मैंने चावल अभी इतना सा खाया, और अभी तो मेरा हालत ही ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं इनफैक्ट मतलब सोच रही हूँ यहाँ से 10-20 किलोमीटर अभी वॉक कर लूँ, ताकि मेरा तुरंत डाइजेस्ट हो जाए खाना, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल यार, क्योंकि मैं शाम को गई थी दादी के साथ वॉक करने के लिए, और मुझे अभी बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, देखते हैं इसके बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा बहुत टेरेस पे जाके मैं वॉक कर लूँगी एटलीस्ट 10-20 राउंड्स, तब शायद मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए। Till then, bye guys, Har Har Mahadev, love your loved ones, bye guys.